हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगम जैन, आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी पोएम्स के बारे में। जितनी भी पोएम्स हमारे सिलेबस में है उनको हम एक ही वीडियो में वन शॉट में कवर करने वाले हैं। शुरुआत में हम कुछ इजी पोएम देखेंगे, जैसे चाइल्डहुड, द बर्नम टॉप ऑफ फोटोग्राफ, और फिर जो लास्ट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड पोएम बच जाती है जैसे कि फादर टू सन और वॉइस ऑफ द रेन, उसको वीडियो के लास्ट में कवर करते हैं ताकि एक मोमेंटम बन जाए और आपको भी मजा आए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं चाइल्डहुड की। तो चाइल्डहुड पोएम जो है वो हमें बताती है कि जब हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। इमोशनली चेंजेस के बारे में बात करनी है और इसे लिखने का कष्ट किया है मार्कस नेटन ने। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें चार स्टैंडा है, एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहला स्टैंडा है वहाँ पे पोएट यूज कर रहे हैं व्हेन का, मतलब कब, और ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा मोमेंट था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। क्या वो मोमेंट था जब मैं 11th ईयर क्रॉस करके 12th ईयर में पहुंचने वाला था, मतलब वो 11th ईयर का लास्ट स्टेज था, या फिर वो मोमेंट था जब मुझे पता चला कि ज्योग्राफी की जो बुक है, ज्योग्राफी मैप में हेल और हेवन तो दिखते ही नहीं है, दिए ही नहीं गए हैं। क्या वो मोमेंट था जहाँ मेरा बचपन चला गया। तो पहले सेंजा में पोएट यही बोलते हैं और जो इसका कंक्लूजन निकालते हैं वो है रैशनलिज्म। जब हम उस स्टेज में पहुंच के सिचुएशन को हैंडल करने लगे, हमारे साथ क्या हो रहा है हम उसे हैंडल करने लगे, उसे हम रैशनलिज्म बोलते हैं। देन दूसरा जो सेंजा था उसमें वो बात कर रहे हैं फिर से वैन की, मतलब कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, अभी वो कब की बात कर रही है। अब वो बात करते हैं क्या वो मोमेंट था जब मुझे पता चला कि जो हमारे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनके जो फेसेस है वो बहुत सारे मल्टीपल फेसेस है, मतलब वो कभी किसी से खुश होके बात करेंगे, कभी किसी से दुखी होके बात करेंगे, और भी बहुत कुछ। और क्या वो मोमेंट था जब मुझे पता चला कि जो बड़े हैं वो बात हमसे बात तो लव और प्रीच ही करेंगे, मतलब सबसे सद्भावना से रहो, अच्छे से प्यार से रहो, बट एक्चुअल में वो लड़ते हैं। क्या वो मोमेंट था। तो सेकंड स्टैंजा में वो यही कह रहे हैं और इसका कंक्लूजन उन्होंने निकाला हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब बड़ों के मल्टीपल फेसेस को देखना या बड़ों के आडंबर को देखना, हम ये बोल सकते हैं। जो थर्ड स्टैंजा था, थर्ड स्टैंजा में पोएट ये पूछ रहे हैं क्या वो मोमेंट था, अभी भी वो वेन का यूज कर रहे हैं, WHEN, क्या वो मोमेंट था जब मुझे पता चला कि मेरा माइंड भी थॉट प्रोड्यूस कर सकता है। क्या वो मोमेंट था जब मुझे पता चला कि मैं इंडिपेंडेंटली सोच सकता हूँ, क्या वही मोमेंट था, वो ये पूछ रहे हैं। इसका उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब कि हमारा जो माइंड है अब वो इंडिपेंडेंट है, अब हमें लगता है कि सेंटा नहीं आता है तो नहीं आता है, दूसरे को लगने दो। और यही सब, मतलब हमारा माइंड भी बहुत अलग अलग थिंक कर सकता है, आइडियाज ला सकता है, ये सब। लेकिन जो लास्ट स्टैंजा है वो बहुत मजेदार है, उसको जरूर सुनना। उसमें वो वेयर का यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चला गया, उसमें उन्होंने वो खुद बता दिया कि जो मेरा चाइल्डहुड है वो शायद किसी इन्फेंट के फेस में जाके छुप गया है, किसी न्यू बॉर्न बेबी के फेस में जाके छुप गया है, किसी इनोसेंट के फेस में जाके छुप गया है, और अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ। तो चाइल्डहुड पोएम को हमने खत्म कर दिया। अब बात करते हैं हम किसकी, कहाँ यार ऐसे होता था, फोटोग्राफ की। अब फोटोग्राफ को लिखने का कष्ट किया है शिर्ले टॉलसन ने। अब इसमें जैसा नाम है, जैसा टाइटल है फोटोग्राफ, उसी की बात करने वाले हैं फोटोग्राफ की। एक बार जरा इसका बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बेसिक आइडिया में जो पोएटेस है, यहाँ पे पोएट नहीं पोएटेस है, और पोएटेस जो है वो अपनी माँ को देख रही है उस फोटोग्राफ में। अब क्या है जरा उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस पोएम में भी चार स्टैंजेस हैं। स्टैंजा नंबर वन, स्टैंजा नंबर वन में जो पोएटेस की माँ है, पोएटेस की माँ और उन दोनों और पोएटेस की माँ के साथ दो और लड़की खड़ी हुई है, और दो लड़की जो उनकी कजन है वो दोनों उनका हैंड पकड़े हुई है। अब वो जगह कहाँ है, वो जगह है बीच, बीच मतलब जहाँ वो व्यू देखने जाते हैं, कह सकते हैं समुद्र का किनारा, वो बीच में खड़ी है और एकदम ड्रेस अच्छी वैसी बीच वाली ड्रेस पहन के खड़ी है और वो हंस रही है, और वो
जिस टाइम की वो पिक है उस टाइम बता रही है कि मेरी माँ उस टाइम 12 साल की होंगी लगभग ऐसा एटलीस्ट। तो सेकेंड स्टैंजा में वो बता रही है कि जब वो हवा चल रही है, वहां पे कुछ एटमॉस्फेयर का इशू है, हवा चल रही है तो उनके उनके फेस के सामने बाल आ जा रहे हैं और वो हंस रहे हैं बार बार। उसी पोज में जो कैमरामैन अंकल है उन्होंने उनकी फोटो खींच ली है, उनकी पिक ले ली है और अब वो बात कर रही है यहाँ पे क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज नहीं हुआ है। चेंज और जो अनचेंज हुआ है मतलब जो सी है वो तो वैसे ही है, बट चेंज क्या हुआ है, ट्रांजिस्ट क्या हुआ है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्ट वर्ड का यूज हुआ है, ट्रांजिस्ट हुए है फीट, फीट मतलब हमारे पांव के पंजे। कहने का मतलब है हमारी लाइफ के अप डाउन, हमारे लाइफ में क्या कैसा हो रहा है, किसका व्यवहार कब बदल जाता है। तो जो फोटो देख रही है उसके बाद उनकी मम्मी जो है, उनकी मदर जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और इसी को देख के पोएम बनी हुई है। देन जो थर्ड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा बात करता है अबव 20 और 30 साल की, मतलब जब उनकी मम्मी मतलब पोएटस की मम्मी 20 से 30 साल बाद उस फोटो को देखती है तो अपनी जो कजन थी उनकी डॉली और बेटी, उनकी कजन का नाम था, वो उनसे ये बोलती है कि देखो डॉली और बेटी हमें उस टाइम पे इतने अच्छे से तैयार किया जाता था वही बीच वाले कपड़े वो सब। और इसके बाद उन्होंने ये तो कर लिया और इसके बाद फेवरेट की बात हो रही है। पिछले स्टैंजा में हमने चेंज अनचेंज की बात की, अब यहाँ पे फेवरेट की बात हो रही है। सॉरी फेवरेट उनकी जो मम्मी है उनको क्या फेवरेट लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है अपने कजन की फोटो देखना, अपने कजन की फोटो मतलब जहाँ पे वो है जहाँ पे बीच में फोटो है। अब उनकी मम्मी जो हंसी मतलब लाफिंग किया उन्होंने कि देखो डॉली और बेटी हम हंस रहे हैं खेल रहे हैं बीच के किनारे, जब वो हंस रही है लाफिंग कर रही है वो किसका फेवरेट है, वो उनकी बेटी का फेवरेट है, पोएटेस का फेवरेट है। तो थर्ड स्टैंजा में यही था और जो फोर्थ स्टैंजा है ना बहुत ही इमोशंस के साथ है वो फोर्थ स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा में पोएटेस कह रही है कि अब तो मेरी माँ को खत्म हुए बहुत साल हो गए हैं, एक्सपायर हुए बहुत साल हो गए हैं और अब वो अपना जो पेन है पेन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, वर्ड्स से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। और यहाँ पे पोएटेस ने एक लाइन दी है, इट्स साइलेंस साइलेंस, मतलब जो शांति है जो पोएटेस अपना पेन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है उसकी शांति भी एक शांति दिखाती है, एक एक्सप्रेशन दिखाती है। तो इतनी जल्दी हमने चाइल्डहुड फोटोग्राफ को खत्म कर दिया। अब सिर्फ तीन और पोएम बची, लवर मैन पापा बॉयस ऑफ द रेन बहुत जबरदस्त पोएम, इसको भी पढ़ लें। लेबरनम टॉप क्या है इसमें जरा सी बात कर लेते हैं। इसको लिखने का कष्ट किया है हमारे टेड ह्यूज साहब ने। और जो लेबरनम टॉप है, लेबरनम एक ट्री होता है, कैसा ट्री होता है, एक शॉर्ट हाइटेड ट्री मेरी तरह, और उसकी जो ब्रांचेस होती है ब्रांचेस ऐसी हैंग करती होती है, कलर होता है येलो और सितंबर के महीने में उसकी जो लीव होती है, सितंबर का महीना मतलब ऑटम में आता है तो उसकी लीव येलो हो जाती है और जो उसके जहरीले बीज होते हैं पॉइजनस बीज हो जाते हैं वो फॉल हो जाते हैं ऑटम के महीने में। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, तो एक गोल्डन फिंच बर्ड है, गोल्डन फिंच बर्ड है वो एकदम पीले कलर की रहती है, वो भी पीली और लेबरनम ट्री भी पीला मतलब येलो कलर। हाँ तो अब यहाँ पे बात करी जा रही है सितंबर का महीना चल रहा है, पहले स्टैंजा में सितंबर का महीना चल रहा है, लेबरनम टॉप ट्री क्वाइट स्टिल है मतलब सीधा खड़ा है कोई आवाज नहीं है, और ऑटम का महीना ऑटम का सीजन आते ही वो उसकी पत्तियां येलो हो गई है उसके बीच गिर। पहले स्टैंजा में सिर्फ ये था। अब जो सेकेंड स्टैंजा है वो है कि गोल्ड फिंच कैसे आती है, कैसे वहां पे अपना नेस्ट बनाती है और कैसे अपने बच्चों को वहां रखती है। अब वो क्यों रखती है, क्योंकि सितंबर के महीने में वो भी येलो कलर की होती है और पेड़ की ऑल लीव्स भी येलो कलर की होती है तो जिससे वो प्रोटेक्ट हो सके। अब चिड़िया के आने से पहले तक फर्स्ट स्टैंजा में लिखा था क्वाइट स्टिल मतलब शांत खड़ा था, बट चिड़िया के आते ही उसके
बच्चों की चिरप साउंड का यहाँ पे मेंशन दिया गया है, चिरपिंग करने लगे इसके बच्चे, आवाज निकालने लगे, इससे पेड़ों को भी बहुत सुहाना लगने लगा, यही बात है। देन इसमें जो हमारी चिड़िया है गोल्डफिश जो बर्ड है उसको लिजार्ड के साथ कंपेयर किया है, स्लीक स्लीक एज ए लिजार्ड, स्मूथ मतलब जैसे लिजार्ड जो हमारे घर में चिपकली होती है वो कैसे ही एकदम सावधान एकदम हर चीज बरतते बरतते अपने शिकार के पास जाती है, वैसे ही जो गोल्डन फिंच बर्ड है वो भी एकदम सावधान रहती है हर जगह से, क्योंकि उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है जो पेड़ की सबसे ज्यादा मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा पत्तियां हैं वहां पे, इसलिए उसे स्लीक एज अ लिजार्ड से कंपेयर किया गया है। अब इसे और भी मशीन से भी कंपेयर किया गया है पोएट ने, हमारे टेड ह्यूज साहब। अब मशीन से कैसे कंपेयर किया है, जैसे मशीन मशीन मतलब इंजन से कंपेयर किया, इंजन भी एक मशीन है, इंजन से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि इंजन के बिना एक व्हीकल नहीं चल सकता, वैसे ही गोल्डन फिंच के बर्ड के बिना उसके बच्चे लाइफ नहीं जी सकते। अब जब भी जैसे ही गोल्डन फिंच चले जाती है अपने कहाँ फीड करने और अपने बच्चों के दाना के लिए, तब तक वो जो ट्री है वो क्वाइट रहता है, कुछ आवाज नहीं आती, बट जैसे ही वो बर्ड आ जाती है और यहाँ पे फीड करने को स्ट्रोक कहा गया है मतलब उनको फीड कराती है बच्चों को, तब वो फिर से चहकने लगता है, वो आवाज निकलने लगती है ट्री में। सेकेंड स्टेंजा इतना बड़ा था मैं खत्म कर दिया, एक और स्टेंजा है, स्टेंजा ये है कि जब कुछ महीनों बाद वो बर्ड वहां से चली जाती है और वो ट्री फिर से मासूम मतलब कि फिर से क्वाइट स्टिल खड़ा है, तो तीनों स्टेंजा में हमने ये पोयम लेबरनम टॉप खत्म कर दिया है। अब टॉप का मतलब है, लेबरनम मतलब ट्री है, टॉप मतलब उसकी ऊंचाई जहाँ पे वो बर्ड बैठना पसंद करती थी, ठीक है। अब से दो पोयम बची है, वॉइस ऑफ द रेन एंड फादर हू सन, इसको भी कवर करते हैं। द रेन को लिखने का कष्ट किया है वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने, ये हमारे 10th की भी एक पोयम है जिन्होंने स्नो एंड व्हाइट में अपने बहुत अच्छा चरणों कदम रखे थे जिनसे हमारा उद्धार हुआ है। अब जरा इस पोयम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो वॉइस ऑफ द रेन, जैसे कि जो ह्यूमन होते हैं उनकी आवाज को वॉइस कहा जाता है, और अगर रेन गिरती है या फिर कुछ भी नॉन लिविंग थिंग अगर कुछ गिरती है हम उसे साउंड बोल देते हैं, बट इधर रेन को भी वॉइस का दर्जा दिया गया है, और रेन किससे बात कर रही है, पोएट से बात कर रही है, तो वॉल्ट व्हिटमैन से बात कर रही है। वॉल्ट व्हिटमैन रेन से पूछते हैं, तुम कौन हो, हु आर यू, तो अब रेन का यहाँ से चालू हो जाता है, तो रेन कहती है मैं अर्थ की पोयम हूँ, एकदम अच्छे से जवाब दिया है। फर्स्ट स्टेंजा में यही बता रहे हैं पोएट कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा और रेन ने उन्हें ये आंसर दिया है। फर्स्ट स्टेंजा खत्म, देन दूसरे स्टेंजा में वो बता रही है, रेन बोल रही है कि मैं इम्पेबल हूँ मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, और मैं बॉटमलेस सी मतलब जो सी होता है समुद्र होता है उसका नीचे का हमें पता नहीं इतना गहरा है, मैं वहां से आती हूँ और फिर हेवन में चली जाती हूँ। हेवन का मतलब यहाँ पे दिया गया है मैं ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म करती हूँ, मतलब कि जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है वाटर साइकिल कि यहाँ से एवोपरेट पानी हुआ फिर ऊपर पहुंच गया फिर क्लाउड फॉर्म हुए वही, तो हेवन में जाके मैं क्लाउड फॉर्म करती हूँ, और जो क्लाउड होते हैं ना वो एक भी क्लाउड सेम नहीं हो सकते, बट सेम क्या होता है, सेम होती है मेरी वाटर साइकिल की प्रोसेस। सेकेंड स्टेंजा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। थर्ड स्टेंजा में ये बोल रही है कि मैं इसलिए आती हूँ ताकि जो अर्थ में जहाँ जहाँ ड्रॉट है जहाँ जहाँ सूखा पड़ गया है उसको फिल कर दूँ, जो हम सीड होते हैं ना वो इनको जमीन में गड़ा देते हैं जिससे प्लांट बने, मैं उन अनबॉर्न सीड को बॉर्न करती हूँ, मेरे बिना वो बॉर्न नहीं हो सकते, और भी कुछ चीजों को लाइफ देती हूँ। तो थर्ड स्टेंजा में वॉइस ऑफ द रेन ये बोल रही है, मतलब हमारी रेन मैम ये। देन फोर्थ स्टेंजा थोड़ा सा पड़ा है पर मजा है, तो फोर्थ स्टेंजा में ये बोल रही है कि जो मेरा ओरिजिन है मतलब कि हमने लाइफ साइकिल में सुना ना कि वाटर ही वाटर को बनाता है, तो मेरा जो ओरिजिन है मैं उसको खुद लाइफ देती हूँ, मतलब जब रेन होगी तभी ही पानी
आएगा, ऐसा वो होना कहना का मतलब है। मैं अपने ओरिजिन को खुद लाइफ देती हूँ और यहाँ पे रेड अनरेड का मतलब एक दिया गया है पैरा एग्जाम में कि हम उसको पोएट से वो कर लेते हैं, जरा पोएट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पोएट जो स्टोरी लिखता है, राइटर कुछ स्टोरी लिखता है, क्या वो ये सोच के लिखता है कि ऑडियंस का प्यार मिलेगा? नहीं ना, उसको लिखना पसंद है, किसी को पसंद हो या नहीं हो, पर उसकी कहानी किसी को पसंद हो या नहीं हो, पर वो तो लिखता रहता है। इसी को रेन से कंपेयर करता है, तो रेन कहती है कि मुझे कोई लाइक या डिसलाइक करे, फिर भी मेरा काम तो बरसना है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो वो करूंगी। तो वॉल्ट व्हिटमैन साहब की एक और पोयम को हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। देन अब लास्ट जो बची है, फादर टू सन। अब फादर और सन का रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जरा इसको देखते हैं भाई क्या है ये। तो फादर टू सन लिखने का कष्ट किया है एलिजाबेथ जेनिंग ने, और इसमें जो फादर टू सन है ना, उनके बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप है, लैक ऑफ जेनरेशन गैप है, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इतना सब होने के बाद ही फादर कुछ बता रहे हैं, जानते हैं। और फर्स्ट सिंड्रोम में फादर कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ, इस बच्चे को मतलब वो जो उनका सन है, हम लोग साथ में तो रहते हैं, बट मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। हम लोग, मैं फिर से वैसा रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला करना चाहता हूँ जैसा हम लोग छोटे में थे, हम लोग उनका जब चाइल्ड छोटा था वो। सेकेंड स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि मैंने उस रिलेशनशिप को किल कर दिया है, मैंने उसे किल करके उसका जो कंक्लूजन बचा उसे ऐसी जगह दफना दिया है, कह सकते हैं गड़ा दिया है, और वो जो जमीन है वो बिल्कुल ही बंजर है, वो मुझे कुछ रिटर्न नहीं देने वाली है। अब मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, उन्होंने खुद बताया है कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं उसके लाइक डिसलाइक नहीं जानता कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है, ये सब, और मैं ये उससे पूछ भी नहीं सकता, और ये बात मैं किससे शेयर करूं, कैसे शेयर। सेकंड स्टैंजा में उन्होंने ये बोला है कि एक बार ज्यादा सम अप कर लेते हैं, फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं कि वो अपने चाइल्ड को नहीं जानते हैं, वो फिर भी उसी घर में रहते हैं और उन्हें उनके लाइक डिसलाइक के बारे में नहीं पता, वो फिर से उसी स्मॉल, जब वो उनका चाइल्ड स्मॉल था, छोटा था, तब भी वैसी जब रिलेशनशिप थी वैसे ही अभी बिल्ड करना चाहते हैं। सेकंड स्टैंजा में वो बोल रहे हैं कि मैंने उस अपनी रिलेशनशिप को ऐसी जगह दफनाया है, ऐसी बंजर जमीन में दफनाया है जिससे मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और फिर वो बोल रहे हैं कि वो जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल मुझ पे गया है, मैं उसकी लाइक डिसलाइक नहीं जानता हूँ, और मैं ये उससे भी नहीं पूछ सकता और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। देन अब थर्ड स्टैंड में वो ये बोल रहे हैं कि बस वो घर वापस आ जाए, मतलब वो मेरी सुनने लगे और हम दोनों के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप हो जाए, और वो बोल रहे हैं मैं उसको प्रोडिगल बना दूंगा, मतलब कि वो जितना भी पैसा मिलेगा, जितना भी पैसा उड़ाएगा मैं उसको दे दूंगा, बट वो बाहर जाके दूसरे रिलेशनशिप ना बनाए, कुछ अननेसेसरी फ्रेंड ना बनाए, कुछ उल्टे सीधे लोग से बातें ना करे, वो सिर्फ अपने हैं, जो उसके अपने हैं वो उनसे अच्छी रिलेशनशिप रखे। थर्ड स्टेंजा को पोएट यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, और जो फोर्थ स्टेंजा है वो वहाँ पे कह रहे हैं कि हम फादर और सन है, हम एक ही जगह पे रहते हैं, कि ग्लोब में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, कुछ भी हो जाए हम फादर टू सन वैसा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे। अब वो लास्ट लाइन, लास्ट दो लाइन में कह रहे हैं कि अगर मुझे अपने बेटे से कुछ मांगने की जरूरत पड़े और मेरे बेटे को मुझे मांगने की जरूरत पड़े तो बेटा जो चाहेगा वो तो मैं उसे दे दूंगा, बट मैं अपने बेटे से इनडायरेक्टली माफी ही चाहूंगा। तो यहाँ पे पोएट ने खत्म कर दिया है, और हमने भी ऑल पोएम इन वन शॉट खत्म कर दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।